नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। प्रखंड मुख्यालय स्थित डाकघर वर्षों से जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। अब तो आए दिन इसके छज्जे जगह जगह टूटकर गिर रहे हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। डाक कर्मी भगवान भरोसे यहां कार्य करने को विवश हैं। डाकघर में कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं डाक कार्य को लेकर आने वाले लोगों को बराबर भय बना रहता है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। डाक कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर जर्जर भवन में काम करने को मजबूर है। अब तो ग्रामीण भी डाकघर आने से कतराने लगे हैं। बताते चले कि डाकघर का उप डाकघर में उन्नयन 12 मई 1992 को हुआ था। उस समय के तत्कालीन डाक महाध्यक्ष श्री भगवान दास टेकरीवाल के द्वारा डाकघर का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम में अधीक्षक अभियंता अरुण कुमार वर्मा, आर्किटेक्ट के आर बोडाल, कार्यपालक अभियंता उदयकांत मिश्र की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ था। उप डाकघर के भवन बनने से 28 वर्ष बीत गए। आए दिन भवन की छत से चट्टान टूटकर गिरता रहता है। उप डाकघर से डाक अधीक्षक सहरसा डाक अधीक्षक को इसकी लिखित जानकारी दी गई है, लेकिन इसकी मरम्मत या तोड़कर पुनः निर्माण की प्रक्रिया पर किसी भी तरह की पहल अब तक नहीं की गई। जल्द ही यदि इस ओर विभाग का ध्यान नहीं गया तो कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं उप डाकपाल अधीक्षक प्रियतम कुमार ने बताया कि भवन क्षतिग्रस्त रहने के कारण बरसात के दिनों में कागजात एवं कंप्यूटर सहित बचाना गंभीर समस्या बनी रहती है। डाक कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर जर्जर भवन में काम करने को मजबूर हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इसके लिए कई बार पदाधिकारियों को सहरसा डाक अधीक्षक को लिखित पत्र भी दिया गया, लेकिन अभी तक मरम्मत नहीं हुई। मधेपुरा से रामानंद कुमार की रिपोर्ट।